तो गाइस होली आने वाली है, हम लोग कब से सोच रहे थे कि क्या करें क्या करें, फाइनली डिसाइड हो गया कि आज हम करने वाले हैं होली स्पेशल फूड एक्सप्लोर। मतलब आज हम लोग ऐसे ऐसे फूड एक्सप्लोर करेंगे जो मोस्टली हम होली फेस्टिवल में प्रिफर करते हैं खाना। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम जाते हैं फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ बोलना है पहले तो बोल सकती है, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमने जो सबसे पहली डिश ली है वो है गुजिया, और इसे ना करंजी भी कहा जाता है। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि मोस्टली ना यहाँ पर लोग होली के टाइम पे प्रीफर करते हैं इसे खाना। तो और पाया अभी टेस्ट करेगी, इसमें ना बहुत नॉर्थ इंडिया में बहुत ही फेमस है, यूपी के लोग इसे बहुत ज़्यादा ही हायर करते हैं। Exactly. और गुजिया एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको इतनी वेराइटीज़ है कि आप मतलब मैं खुद नहीं एक्सप्लेन कर सकती ये। इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ है, जैसे कि आप खोआ गुजिया हुआ, हाँ, देन चाशनी गुजिया, मावा गुजिया, बहुत सारे टाइप्स है। तो सो हम लोग ये ट्राई करने वाले हैं, फिलहाल ये मावा गुजिया है। सो हम देखते हैं कि ये ना पूरा इसमें घी डाला गया है, घी से बनी हुई है, और इसके इसमें ड्राई फ्रूट्स, और ये फुल मावा गुजिया है, काफ़ी टेस्टी होने वाला है। हाफ में प्रीत के लिए रख देती हूँ ताकि वो भी टेस्ट करके बताए। इसे ना चाशनी के अंदर ना पूरा डुबो के रख सारे डुबोया जाता है। कैसा राउंड? एकदम शुद्ध देसी घी की बनी है गाइस, बहुत ही टेस्टी था। इसमें घी और ड्राई फ्रूट और मावा का फ्लेवर भर भर कर आया है। ऐसे ही नहीं यूपी के लोग इसे इतना पसंद करते हैं, इतना मोस्ट प्रायोरिटी देते हैं इस डिश को। बहुत ऑसम है, आप भी ट्राई करो यार। सो गाइस जो सेकेंड डिश हम लोग ट्राई करने वाले हैं वो है दही वड़ा। गाइस इसे दही भल्ला भी कहते हैं और बहुत ही यूनिक नेम है। और आप देख सकते हैं ये कितना टेस्टी और कितना स्पाइसी दिख रहा है। आप इसमें नार के दाने और फिर इसे ऊपर से सेब के साथ डेकोरेट किया गया है, और साथ में चाट मसाला वगैरह भी डाला गया है। गाइस अभी ये ट्राई करेगी और बताएगी कैसा है। खट्टा खट्टा फ्लेवर आई थिंक गाइस, ये स्वीट एंड स्पाइसी और खट्टे भी है, कर्ड की वजह से खट्टा लग रहा है, और साथ में मीठी चटनी और कोरिएंडर वगैरह से डेकोरेटिव है। बहुत ही टेस्टी है, और ख़ास बात तो ये होली के दिन इसे काफ़ी प्रेफर किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा चटपटा है, इनमें ना खट्टा मीठा तीखा तीनों फ्लेवर है। सो गाइस बहुत ही टेस्टी है, आप भी ट्राई करो ये भी। दोनों डिश बहुत ही ऑसम थी। और हाँ गाइस हम यहाँ का एड्रेस जहाँ भी हम ट्राई कर रहे हैं ना वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाके चेक करो और आओ और पहले लेकर जाओ फिर होली सेलिब्रेट करो तो गाइस इस बार हमने ऑर्डर किया है दही कचौरी, और इसकी सबसे यूनिक चीज़ तो ये है कि इसे ना राज कचौरी की तरह ही फिलअप किया गया है। आप देख सकते हो इसमें काबुली चना और मूंग दाल और काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट के साथ इसे सजाया गया है, और देखने में ही आप देख सकते हो कितना फिलअप किया गया है। मीठी तीखी चटनी चटपटे फ्लेवर के लिए, मतलब एकदम यूनिक वे इसका यही है। हम ट्राई करते हैं और बताते हैं आपको कि कैसा है इसका। हेल्दी तो है, बड़ी वाली बाइट ले गिर जाएगा कैसा है? इसका जो मिक्सर है ना मिक्सचर है वो इतना अच्छा फ्लेवर दे रहा है ना कि और इसमें इसको ना नॉर्मली जो दही कचौरी होती है ना कचौरी के अंदर पूरी फिलअप की जाती है, बट इसमें ना जो कचौरी है ना उसको पूरा तोड़ के डाला गया है, इसलिए ना उसका फ्लेवर बहुत ही मज़ा आ रहा है खाने में। ऑसम है, हम खा लेते हैं। कचौरी 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 इस बार गाइस हमने ना तो लिया है राज कचौरी ना तो लिया हमने दही कचौरी, ये है हमारा आलू प्याज कचौरी। यस ये है आलू प्याज की कचौरी, हमने पार्सल लिया है, अंदर शूट अलाउड नहीं था तो हमने सोचा यार गाइस ये हम कैसे भूल सकते हैं। गाइस इतना मीठा होने के बाद कुछ तो तीखा होना चाहिए ना, और ये तो यार घर पे नॉर्मल बनता है क्योंकि मीठा खा खा के हम इतना थक जाते हैं कि कचौरी तो घर पे भूलते ही नहीं है बनाना। तो अभी हमने लिए ये चटनी, इसमें पहले मैं चटनी ऐड करती हूँ। वेट 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 चटनी पूरी फील है ठीक है। वाह
इसे अंदर गाइस रहा नहीं जा रहा है। डाल डाल एकदम भर डाल एकदम चटनी से भर डाल। अच्छा प्रीत को बहुत पसंद है बट मुझे नहीं। अभी मैं इसे ट्राई करूंगी। यार मेरे लिए भी छोड़ना थोड़ा। कैसी है? लाला मैं भी टेस्ट कर रही हूँ। कैसी है? ट्राई करो। इसके आलू का जो टेस्ट आना है लिटरली वो माइंड ब्लोइंग है। जीरा सरसों के साथ इसे मतलब बोलते हैं ना फ्राई किया गया है आलू का अंदर से। लिटरली बहुत ही ऑसम टेस्ट है ना गाइस। इसका फिलअप बहुत ज़्यादा ही अच्छा है और बहुत टेस्टी बहुत ही स्पाइसी। हमने चाट तो खाई होगी स्पाइसी वाली। चाट का पूरा फ्लेवर आ रहा है, चटपटा फ्लेवर आ रहा है और चटपटा होने की वजह से इन्होंने हमें मीठी चटनी दी थी। बहुत ही टेस्टी है, ऑसम फ्लेवर टेस्ट के कॉम्बिनेशन अधूरी है। ट्राई करो 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 मजा आएगा। हमें कमेंट डाउन करके बताओ कि होली के दिन आप क्या खाना पसंद करते हैं। हमने जितने भी डिशेज आपको दिखाई अभी तक तो आप हमें कमेंट करो कि इसमें से आपकी कौन सी फेवरेट रही है और इसके अलावा भी आप लोग क्या खाना पसंद करते हैं। तो गाइस बात आती है लस्सी की ना तो मेरे दिमाग में सबसे पहले पंजाबी इसलिए होते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा पंजाब में फेमस है। और यार ये मुझे इतना डिलीशियस इसलिए दिख रहा है ना क्योंकि इसमें ना मलाई डाली गई है और मुझे बहुत मजा आ रहा है देख के। खाने में तो डबल हो जाएगा मतलब। इसकी यूनिक बात यही है इसे मलाईदार लस्सी कह रहे हैं बिकॉज इसमें फुल मलाई भर कर दिया गया है। देखो मुंह से पानी आया कि नहीं हमें कमेंट करके बताना। तो हम ट्राई करते हैं। मेरे मुंह में तो पानी आ चुका है मुझे भी गाइस। आप देख सकते हैं बहुत ही ऑसम था यार। पूरा मलाई खत्म हो गया यार, पूरा भुक्कड़ खा गई मलाई। लस्सी बहुत ही टेस्टी था गाइस। ये हैंडलिंग में ही खाना चाहिए, माइंड फ्रेश हो जाता है। बहुत ठंडा ठंडा है दिमाग। अगर आपका गर्म है ना तो ये तो जरूर ट्राई करो। गाइस हमारी वीडियो अभी तक एंड नहीं हुई है। इस बार आपको गेस करना है कि हमने क्या लाया है। बॉलीवुड सीन होली सीन उसके बिना इनकम्प्लीट मानी जाती है। तो क्या लगता है क्या है? भांग वाली ठंडाई। पर गाइस हमने लिए नॉर्मल ठंडाई जिसमें कोई भांग विंग नहीं है। जिसे गाकर वो कौन सा दीपिका ने कौन सा सॉन्ग गाया था होली में इतना शिकारी। वो भांग पीने के बाद ओवर रिएक्ट कर रही थी बट हम लोग नॉर्मल नॉर्मल ठंडाई लिए। तो प्रीति से टेस्ट करेगी। गाइस आपको देख के लग रहा होगा ये आपको कुछ आइसक्रीम जैसा लग रहा होगा। बड़े हमने पार्सल लिया इसलिए लग रहा है उन्होंने डब्बे में दे दिया है। पर ग्लास में पीने का मजा ही अलग होता है। गाइस आपको अगर एक्चुअली वाली ठंडाई चाहिए तो आप मुझे लगता है आपको पंजाब में ही मिलेगी। मुंबई में आपको ये पॉसिबल यार देख ना क्या दिया है उन्होंने चम्मच दिया है। काम से कौन पीता है यार। ठीक है ना तो तू ऐसे ही पी ले। गाइस पूरा फ्रूट ड्राई फ्रूट नहीं लगता है ना आज तक मिक्स करके डाला है। बहुत कूल नहीं आता है इसे बॉलीवुड सीन वाला चीज। इसने आज तक ठंडा ही खाई है पीते हुए किसी को दिख रही है। आप देख सकते हैं इसमें कितना ड्राई फ्रूट वगैरह मिक्सचर होगा। मैं टेस्ट करके बताती हूँ अब। अच्छा ये भी पी रही है तो मैंने क्या गलत किया इसमें? बट ड्राई फ्रूट्स बहुत सारे डाले गए हैं इसमें। मसाला बोलते हैं ना ड्राई फ्रूट्स का मसाला और इसे हाँ ड्राई फ्रूट्स होने की वजह से इसे ये पूरा मतलब क्रीमी क्रीमी और येलो कलर हो चुका है। बहुत ही अलग बहुत मस्त है यार। ठंडाई होली में नहीं पी तो क्या पिया फिर? हाँ पर भांग वाली गाइस भांग वाली पीना भांग वाली बहुत बेस्ट होती है। यो गाइस हमने अब ले लिया है मालपुआ जो काफ़ी फेमस है इवन इंडिया में ही नहीं बल्कि मैंने सुना है बहुत सारी कंट्रीज में फेमस है नेपाल बांग्लादेश। तो फिलहाल अभी हम इसे ट्राई करने वाले हैं। पहले खाएगी फिर बताएगी इसका फ्लेवर। फर्स्ट टाइम हम ये ट्राई कर रहे हैं। इसे घी में तल कर इसे चाशनी में डुबो कर रखा हुआ था। ये काफ़ी देख सकते हैं आप चाशनी से भरा हुआ है। सो मैं पहले इसे टेस्ट करके बताऊँगी कैसा है ये। आई ऑल्सो वॉन्ट टू ट्राई गाइस। ये फुल खोए से बना हुआ है एंड पूरा खोया वाला फ्लेवर आ रहा है और साथ में चाशनी से पूरा डीप हुआ हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको बोला इसे घी में तला हुआ है काफ़ी टेस्टी लगता है। इसमें घी इलायची इवन सूजी
सूजी जो बोला जाता है, हाँ, सूजी वगैरह सबका मिक्सचर है, लिटरली माइंड ब्लोइंग है, बहुत ही यम्मी है। ये डेजर्ट के रूप में भी खाया जाता है और होली तरह का डेजर्ट है ये। होली के दिन इसे खा के अपना दिन शुभ बनाए। काफी ये बहुत ही टेस्टी चीज है, तो अभी फटाफट इसे खा के खत्म करते हैं। So guys, we hope you enjoy this video. If you like it, do like, share and subscribe to our YouTube channel. और हमें comment down करके बताइए इस होली आप क्या special खाने वाले हो? Exactly. And also wish you a very happy Holi to you and your family members. तो इसी की तरह हम video को यहाँ पर खत्म करते हैं। और तब तक के लिए आपको इसी तरह interesting content के साथ yes, तब तक के लिए thank you, धन्यवाद।